गाइज हिंदुओं धर्म में जो कि कोई भगवान जी के स्थान जगह पीपल नीम का पेड़ रहता है, यह क्यों रहता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, आप वीडियो के अंत तक बन रहे हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगा कि इसका रहस्य क्या है। जब आप सो जाते हैं तो दिमाग आपका काम करना बंद करता है, वो भी दिमाग आपका सोता है, लेकिन क्या जब आप रात को सपने देखते हैं तो उस समय दिमाग आपका चलता है या सोए हुए रहता है। मैं आपको बताता हूँ कि जब आप सपने देखते हैं उस समय आपका दिमाग नहीं सोया हुआ रहता है, उस समय आपका दिमाग जग जाता है और वहाँ सपने प्रकार के दिखाते हैं, यानी कि दिमाग चलते रहता है, उस समय बंद नहीं होता है। कछुआ जो होता है वह किस प्रकार से सांस को लेता है, अपने सांस को जैसे हम लोग हैं कि नाक से सांस ले रहे हैं, लेकिन कछुआ किस प्रकार से सांस लेता है। जी हाँ, कछुआ अपने जो ऊपर का खपरोइया होता है पीठ, उसके माध्यम से कछुआ सांस को लेता है। वह नाक से कम लेता है, बहुत कम, लेकिन पीठ से ही अधिक सांस लेता है। अपने याददाश्त को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के फल खाएं, कौन सा रंग का फल खाएं जिससे कि हमारा याददाश्त सबसे तेज हो सके, सबसे स्ट्रांग हो सके, सबसे मजबूत हो सके। जी हाँ, अगर आप नीला और बैगनी जितने रंग का जो फल होता है, यानी कि जो देखते हैं काला प्रकार का जो अंगूर होता है, इन प्रकार का फल अगर खा रहे हैं नारंगी और बैगनी, तो आपका जो माइंड होता है आपका बहुत तेज हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा दिमाग। दुनिया में सबसे पुराना नाम अब तक कौन सा चल रहा है, यानी कि किस राज्य का नाम पुराना अब तक चल रहा है दुनिया में कौन सा राज्य है। जी हाँ, सैन मैरिनो एक ऐसा राज्य है जो पुराना नाम अब तक चल रहा है, बाकी राज्यों का नाम बहुत बदला है। कि मधुमक्खी को जिस प्रकार वह रास्ता धाकर जा रही है और उसको पूर्ण रिटर्न होने में वहाँ कितना समय लगता है, कितना समय रिटर्न, जैसे कि कोई गाड़ी हाईवे पर या रोड पर जा रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से फिर से वापस आने के लिए उसको 5 मिनट, 10 मिनट, 2-4 मिनट लगता है, लेकिन मक्खी को पूर्ण रिटर्न होने के लिए कितना समय लगता है, 1 सेकेंड में 1/30 कर दे, यानी कि 30 मिली सेकेंड, जो कि 1 सेकंड को पूरा करने के लिए 100 मिली सेकेंड लगता है, उसमें 30 मिली सेकेंड में मक्खी पूर्ण रूप से वहां वापस आती। बिच्छू के शरीर पर अगर शराब धर देते हैं, यानी कि शराब पड़ जाता है, तो क्या बिच्छू का कोई प्रभाव पड़ेगा? आपके शरीर पर अगर शराब को गिरा दिया जाता है तो आपको तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बिच्छू के शरीर पर शराब को गिरा दिया जाता है तो बिच्छू को क्या होगा, क्या हानि होगा? बिच्छू के अगर शरीर पर आप उस पर शराब गिराते हैं तो बिच्छू छटपटा 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 के वहाँ मर जाएगी, वहाँ जिंदा नहीं रह पाएगा शराब अगर गिर जाता है। क्या पृथ्वी जिस पर हम लोग हैं उस पृथ्वी क्या पूर्ण रूप से गोल है? गोल तो कहा जाता है, लेकिन क्या पूर्ण रूप से गोल है? जी नहीं, पूर्ण रूप से पृथ्वी नहीं गोल है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ा सा चिपटा हुआ है, जिसको वैज्ञानिकों ने उसको माना नहीं और पूर्ण रूप से गोल बना दिया। आप लोग हम लोगों को पूर्ण रूप से गोल मालूम है, ऐसा भी है, लेकिन थोड़ा उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर चिपटा हुआ है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितने अनाज को खा जाता है, यानी कि वह पूरे जिंदगी भर में कितने अनाज को, कितने केजी को अनाज को वह खा जाता है, क्या आप लोग के यहाँ अंदाजा मालूम है? जी मैं बताता हूँ कि 100 टन अनाज को मनुष्य अपने एक जिंदगी भर में खा जाता है, 100 टन के लगभग, उससे अधिक हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं। कौन सा फूल है जिसको सूरज अपने ओर आकर्षित करता है, यानी कि अपने ओर आकर्षित खींचता है और उधर फूल चली जाती है? अब यह नहीं कि पेड़ उखाड़ कर पृथ्वी से ही चल जाए, ऐसा नहीं, जिधर सूरज बुलाएगा उधर फूल जाती है। उस फूल का क्या नाम है, आप लोग बचपन से सुनते हैं, उस फूल का आप लोगों का मन में आ गया होगा, उसका नाम सूरजमुखी। सूरजमुखी जिधर जिधर सूरज जाएगा उधर उधर सूरजमुखी के पौधे को जाना है, फूल को जाना है। का मनुष्य का जो रक्त होता है वह कितना होता है, वह कितना मोटा होता है, आप लोग कैसे आजाद कर सकते हैं कि मनुष्य का जो खून होता है वह कितना मोटा है? जैसे कि पानी, पानी को गिराएंगे बहुत अधिक दूर पर से पसरेगा, लेकिन क्या खून को गिराएंगे तो उतने पर पसरेगा? नहीं, कैसे उसके मालूम चलेगा कितना गुना है? पानी जितना है उससे 6 गुना अधिक खून मोटा है, यानी रक्त मोटा है।
हिंदू धर्म में भगवान के स्थान जगह नीम का और पीपल का पेड़ क्यों लगाते हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है कि पेड़ पीपल और नीम का ही लगता है, बाकी पेड़ नहीं लगता है? बाकी फूल हो सकता है लेकिन बाकी कोई पेड़ नहीं। जी हाँ, इसके पीछे रहस्य है कि पीपल और नीम का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है और व्यक्ति स्थान जगह पूजने जाएगा और पीपल और नीम के पेड़ से अधिक ऑक्सीजन मिलेगा, इसलिए आदमी स्वस्थ रहेगा। इसी के कारण पीपल और नीम का पेड़ लगाया जाता है। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।